जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप सभी को आशीवन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के इस वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, आशीवन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है? कृपा करके ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आशीवन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को केवल नमस्कार मात्र कर देने से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ का फल भी इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान इस संसार में कोई और अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में कोई पवित्र तीर्थ भी नहीं है, कोई पवित्र तिथि भी नहीं है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी कर लेते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को निरोगी काया और सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धारण कर सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक में वास करते हैं। जो भी मनुष्य आशीवन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाओं, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति इस दिन कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी में तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें कभी नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जो भी मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु, पुत्र और धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगना चाहते हैं और अंत में स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्रीहरि की कृपा से उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है, विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था जो कि बड़ा क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा में, लूटपाट में, मद्यपान में और गलत संगति में, पाप कर्मों में बिताया। जब वह बहेलिया बूढ़ा हो गया, उसके दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए, तब उसे अपने जीवन की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि मैंने तो सारा जीवन पाप कर्म में व्यतीत किया है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो बहेलिया बहुत भयभीत हो गया, महर्षि अंगिरा के आश्रम में गया। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने तो सारा जीवन केवल पाप ही किया है, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, मैं उनका प्रायश्चित कर सकूं और मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके प्रार्थना करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आशीवन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा।
महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी की व्रत का पूरा विधान बताया। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार पापांकुशा एकादशी के आने पर बहेलिये ने इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत को करने से, इस व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अपने व्रत पूजा के प्रभाव से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वे बड़े ही हैरान हुए और बहेलिये को यमलोक लिए बिना ही वापस लौट गए। हे अर्जुन, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का विवाह हो चुका था, बहन का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। बहन तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। तुलसी माता को रोज प्रतिदिन जल से सींचती, दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को उसकी ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब कभी भी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो वो अपनी ननद को ताना मारते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी के पत्ते ही दूंगी। जब देखो तब तुलसी की सेवा करती रहती हो, घर का कोई काम करती नहीं। कुछ समय बीत गया, ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, वही गमला जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और बारातियों को खाने के लिए भी तुलसी के पत्ते दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह टूटा हुआ गमला बहुत सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर भी तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी माता की कृपा हुई और मंजरी से बने वह गहने सुंदर सोने के हीरे जवाहरातों के गहनों में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर भी तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननंद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात जब भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये सब चमत्कार कैसे हो गया, मैंने तो गहने कपड़ों के नाम पर तुलसी की मंजरी, तुलसी का जनेऊ रखा था। अब तो भाभी को भी तुलसी पूजा की महत्ता समझ में आ गई। उसे लगा कि तुलसी जी की सेवा करने के कारण ही ये सब चमत्कार हुआ है। उसकी एक बेटी थी तो वो अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी रोज तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही खूब फल मिलेगा। जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करवाती, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी जी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, उसकी लड़की अब बड़ी हो गई, उसके विवाह का समय आ गया। तब उसने सोचा कि जैसा मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही बेटी के साथ करूंगी तो ये भी गहनों से लद जाएगी, बारातियों को भी खाने के में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। बस यही सोचकर जैसा उसने ननंद के साथ किया था वैसा ही लड़की के साथ करने लगी। बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमला मिट्टी की मिट्टी ही रह गया, मंजरी और पत्ते भी अपने रूप में ही रह गए। जो उसने मंजरी के बने गहने पहनाए थे वो भी मंजरी के गहने ही रह गए और जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। अब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भाभी को तरह तरह की बातें सुनाने लगे, उसकी खूब बुराई करने लगे। तो भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में तुलसी के पत्ते और मंजरी भी रख दिए। जब वो ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी खूब बुराई हुई, सब लोग उसे ताना मारने लगे, ये क्या दहेज लाई हो। तो भाभी गुस्से के मारे अपनी ननंद से बहुत चिढ़ गई और अपनी ननंद को कभी उसने अपने घर नहीं बुलाया। तो एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलाऊं। यह सोचकर वो पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, मुझे कुछ उपहार दे दे। तो भाभी ने थैले में ज्वार भर कर दे दिए और कहने लगी, लो ये ले जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है। अब भाई बहुत दुखी हुआ, दुखी मन से अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, भला कोई भला आदमी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है क्या। जब वो जा रहा था रास्ते में एक गौशाला आई, उसने वो ज्वार का थैला एक गाय के सामने पलट दिया। एक ग्वाला ये सब देख रहा था, ग्वाला उसके पास आकर कहने लगा, अरे भाई आप गाय के सामने ये हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो, गाय तो घास खाती है। अब भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया।
भाई ने ग्वाले को सारी बात बता दी तो ग्वाला कहने लगा, ये सब तुम्हारी बहन की तुलसी पूजा का ही फल है। अब तो भाई धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के पास चला गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि हो जाए, धन के भंडारे बन जाए, अनधन के भंडार लग जाएं। कुछ दिनों बाद देखते ही देखते उसकी भाभी का भी मन बदल गया और अब वह अपनी ननंद को भी खूब मान सम्मान देने लगी। सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। अब उनके घर में कभी भी कलह कलेश नहीं होता था। सभी लोग बड़े प्रेम से और सुख से रहते थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननंद पर कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ प्रदेश में एक पांड्यवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वह राजा बड़े ही धर्मपरायण थे और प्रजापालक थे। अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करते थे। इस कारण उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी और उनकी प्रजा भी प्रत्येक प्रकार से अपने राजा से संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न ने अब राजकार्य में अपना समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए अब मैं अपने इष्ट की आराधना में ही लगा रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रद्युम्न राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों का सा वेश बनाकर निरंतर ही परब्रह्म श्री हरि की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका मन और प्राण निरंतर ही श्री हरि के चरणों में समाया रहता। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न रोज की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि की भक्ति कर रहे थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य जी अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। ध्यान में लगे होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप देकर कहा कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश अपने राजधर्म से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके हम ऋषियों का अपमान किया, इसीलिए तुम्हें घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरि भक्ति राजा इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझा, प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसीलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, पर अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में निवास करते थे। वह सभी हाथियों के सरदार थे। एक दिन उसी पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप थी, इस कारण वह और उसके साथी प्यास से व्याकुल हो गए और पास ही के एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान करके जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ यानी ग्रह ने उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और बलपूर्वक उसे पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाही और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी सफल नहीं हुआ। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता तो ग्रह उसे पानी के भीतर खींच लेता। दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा और सभी कमल दल भी टूट फूट गए, शतविक्षित हो गए। समस्त जल जीव जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा। अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा।
परंतु जल में रहने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के साथ अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लगा। अब सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का जो अहंकार उसे था, अब वह टूटने लगा था। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की भक्तिमय स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल ही उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया, उसे श्री हरि के चरणों में समर्पित करके बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु को दया आई और उन्होंने तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतरकर गजेंद्र और ग्राह को सरोवर से बाहर खींचा और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में हुहो नाम का एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय हुहो नामक वह गंधर्व उपहास के लिए सरोवर में आकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हुहू को श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। श्राप को पाकर वो गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसीलिए तुझे मगर की योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान के हाथों से होगा। आज श्री हरि भगवान के हाथों से मुक्ति पाकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया, प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, मैं मृत्यु के समय उन्हें निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम पर चले गए। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और सभी संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है
शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम अषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे। जन गुरदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो।
विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।